हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे बुद्धि के ग्रह बुध, यज्ञ के स्वरूप बुध, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले बुध, संसार में जो पत्रकारिता है उसके कारक बुध, जो व्यापार है उसके कारक बुध, और यत्र तत्र सर्वत्र जो आपको हरियाली दिख रही है, चाहे प्रकृति की हो और चाहे उस शेयर मार्केट के या आपके जीवन में, उन सब के कारक बुध ही हैं। बच्चों का हंसना, बच्चों का मुस्कुराना या बच्चे, सब बुध ही हैं। आप जो सुन रहे हैं प्रातः काल से रात्र काल तक मीडिया के कारक बुध, बुध महाराज गोचर कर रहे हैं अपने ही मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में बुध महाराज क्या क्या फल देंगे आपके लिए, आज इसकी चर्चा करेंगे। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक, अगर आपको अपनी लगन पता है तो लग्न को प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि लग्न पे ये चीज़ें 100% सही जाएंगी। राशि पे भी आपकी 32% से 48% तक बिल्कुल आपके अनुकूल आपको दिखाई देंगी। लेकिन हमारा आपको ये कहना है कि अगर आपको लग्न पता है तो जो ग्रहों का गोचर है उसको लग्नों के आधार पर देखना आरंभ करिए, वो आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो मिथुन लगन में बुध का गोचर, मिथुन लगन है क्या? तो मिथुन लगन मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु, मतलब मंगल राहु गुरु तीन के प्रभाव से या तीन नक्षत्रों पे खड़ी हुई राशि है, जिसको बोलते हैं मिथुन राशि। अब स्टार्टिंग यहाँ पे जो बुध महाराज करेंगे वो बुध महाराज मृगशिरा में करेंगे, मतलब मंगल में करेंगे। तो मंगल का प्रभाव होने से मीडिया बहुत द्रुत गति से भागेगी, मीडिया कन्फ्यूज रहेगी कहाँ भागना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। वहीं पे आर्द्रा में जाएंगे तो सर्वाधिक दुख जो है आर्द्रा में मिलेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, हैंग कर लिए जाएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि मीडिया वालों को समझ में नहीं आएगा क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, या सरकार के जो समाचार पहुंचाने वाले हैं वो हैंग कर लिए जाएंगे, एक वर्ग विशेष के द्वारा हैंग कर लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जयपुर में जो कांड हुआ उसको आप देखें तो उसको मारते हुए तो सब टीवी वालों ने दिखाया, लेकिन जो पकड़ गए पुलिस वाले उनको ले गए, उसकी तस्वीर कोई नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बहुत कम मात्रा में। तो हमारे यहाँ की मीडिया भी क्या है, एक वर्ग विशेष के द्वारा कैप्चर कर ली गई है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी। पुनर्वसु में जाएंगे, पुनर्वसु में जाएंगे तो बार बार करना, फिर से करना, तो आपके व्यक्तित्व में इस तरह की चीज़ें आएंगी। मंगल में शीघ्रतापन आएगा, जब आर्द्रा में आप जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, तकलीफें मिलेंगी, और पुनर्वसु में जाएंगे तो काम को तीन बार आपको करना पड़ेगा, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं है काम करने में, सीधा सा मतलब है। तो चलिए मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि लेके मीन राशि तक क्या फल देंगे इसकी बात स्टार्ट करें। उसके पहले अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिए, क्योंकि नक्षत्रों तक की बात आपका अपना चैनल ज्योतिष मंजरी करता है, इसका सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेष लग्न मेष राशि, मेष लग्न मेष राशि में बुध महाराज स्वतः चल रहे हैं अपने मिथुन राशि में। अब देखिए 2 जुलाई से आरंभ करेंगे, 2 जुलाई को आरंभ करेंगे, 17 जुलाई तक रहेंगे, तो आपके लिए समय आ रहा है 15 दिन। तो 15 दिन में आप द्रुत गति से वाहन न चलाएं, कार्य में शीघ्रता बिल्कुल ना करें। अगर आप कार्य में शीघ्रता करते हैं तो बुध आर्द्रा में जाके आपको दुखी कर देगा, हाथ पैर तोड़ देगा जी। आपके लगन में मंगल राहु स्वतः दंगल कर रहे हैं, लगन में मंगल राहु दंगल कर रहे हैं, और आपके कुंडली में यहाँ पे सूर्य महाराज भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पे? आर्द्रा में। अतः जब बुध आर्द्रा में गए तो आपको बहुत दुख हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। आपका सूर्य महाराज यहाँ प्रेम के कारक है, प्रेम भी आप पर टूट जाएगा, प्रेम आपको रुला देगा, प्रेमी रुला देगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रेमी रुला देगा। अतः बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें। बुध चूंकि खस्टेस भी है तो शीघ्रता में शत्रु को निपटाने की ना सोचें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, वरना शत्रु ही आपको निपटा देंगे, क्योंकि आपके लग्न में अंगारक योग बना हुआ है। तो बहुत ध्यान से कार्य करें। जब बुध चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में तब काम को सावधानी पूर्वक करें, नहीं एक काम को कई बार आपको करना पड़ेगा। ऐसे बुध की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है तो पराक्रम से ही भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, अतः मेहनत करिए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन है निश्चित रूप से शुभ कारक है, क्योंकि धन भाव के स्वामी धन भाव में ही चल रहे हैं और पंचम के स्वामी अपने से दशम चल रहे हैं, अतः
संतान का लाभ, संतान का विकास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह गोचरी स्थिति आपके लिए योगप्रद मानी जाएगी। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वाले बहुत दिन से परेशान है, क्योंकि बुध महाराज अपने से द्वादश चले गए हैं और अपने से द्वादश जाने से परेशान है। आपके कुंडली में लग्न में सूर्य महाराज चल रहे हैं, तो व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम आपको स्वतः को लाभ ना देके दूसरों को लाभ दे रहा है, क्योंकि द्वादश में चल रहे हैं, तो आपका फोकस स्वतः को ना होके दूसरों पे फोकस है। इसलिए अब आपके लग्नेश जैसे लग्न में गोचर करेंगे तो आप स्वतः पे फोकस करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, मृगशिरा में मंगल आपके अष्टमेश हैं, अतः गति मत पकड़िएगा, गति मत पकड़िएगा। उसके बाद राहु के नक्षत्र में चलेंगे तो कुछ ऐसा मत करिएगा कि दुख आ जाए, क्योंकि राहु आर्द्रा में दुख देंगे। अंत में पुनर्वसु में चलेंगे, यहाँ पे आपको सब तरह से लाभ देते हुए जाएंगे। तो अपने बुध को मजबूत करके रखें। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में यह समय विदेश योग का है, घूमने का है, टहलने का है, खूब भ्रमण करिए, तो भ्रमणार्थ आप निकल जाइए, दोस्तों के साथ विदेश तक की यात्रा आपके लिए बन रही है। ऐसे में मंगल के नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफिस पार्टी, ऑफिस के साथ आप जा सकते हैं, बच्चों के साथ आप घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बुध का गोचर है कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया जाएगा। सिंह लग्न सिंह राशि, सिंह लग्न सिंह राशि में देखें तो बुध महाराज आपके दो दो धन भावों के स्वामी हैं, दो जगह का धन है, और ये गोचर करेंगे कहाँ पे, एकादश भाव में, लग्नेश के साथ रहेंगे, लग्नेश के साथ रहेंगे, अस्त नहीं होंगे, दूरी बनी रहेगी। लेकिन आप जब स्टार्टिंग ये कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया है, तो स्टार्टिंग से आपको लाभ देंगे, स्टार्टिंग से फायदा देंगे। राहु महाराज यहाँ पे मंगल के साथ चल रहे हैं नवम भाव में, इसलिए आर्द्रा में भी आपको शुभ फल देके जाएंगे। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति है सोने पे सुहागा जैसी है, बेहतरीन स्थिति बन रही है। आपके सूर्य महाराज भी यही है, लेकिन सूर्य महाराज जैसे राशि परिवर्तन कर देंगे 15-16 जुलाई के बाद, ये दोनों फिर चले जाएंगे कर्क में, तब आपके लिए स्थितियां सावधानी पूर्वक ढंग से कार्य करने की है, बेवजह खर्च बढ़ जाएगा, दुर्घटना भी हो सकती है, अतः लग्नेश को मजबूत करके रखें। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है बेहतरीन काम करते हुए प्रतीत हो रही है, बट स्टार्टिंग में चूंकि मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे अतः मंगल का प्रभाव होगा, और मंगल आपके कुंडली में कन्या लगन वालों के लिए प्रबल मार्केश होते हैं, ठीक है ना। देखिए कहने के लिए तो गुरु मार्केश हैं आपकी कुंडली में, लेकिन मंगल को जिम्मेदारी कुछ ऐसी मिली हुई है वो तोड़ देंगे, और राहु के साथ संलग्न है, राहु के साथ भी संलग्न है, तो अंदर के शत्रु भी आपको प्रभावित कर रहे हैं और बाहर का शत्रु वेट कर रहा है कब मौका मिले इनको पीटे दें। इस तरह बुध जब जाएंगे मंगल के नक्षत्र में तो आपके ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर परेशानी होगी, जो शत्रु है उनको मौका मिलेगा परेशान करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सूर्य भी आपके यहाँ बैठे हुए बेस हैं, तो आपको टीटी वगैरह भेजा जा रहा है ना, रिलैक्स से निकल जाइए, आराम से घुमाइए, ये समय आपका कट जाए 15-16 तारीख तक, उसके बाद आप बेहतर काम करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी बुध का यहाँ पे गोचर आपके कर्मपथ को विस्तार देगा, बड़े लोगों से संबंध बनाएगा, पिता का भी सानिध्य देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध को मजबूत करें, आपके लग्नेश हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में बुध महाराज व्यय भाव के स्वामी हैं और नवम के स्वामी हैं, लेकिन शास्त्र का नियम है कि द्वितीय और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देंगे, अतः यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाग्य का फल देंगे। स्टार्टिंग क्या करेंगे, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र से करेंगे, अतः स्टार्टिंग से ही आपके व्यापार में गति दे देंगे, व्यापार को पंख लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो बुध महाराज की गोचरी स्थिति है वो बेहतरीन होती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मंगल राहु अंगारक योग बना के आपके सप्तम में बैठे हैं, शुक्र इस समय अष्टम में है, इसलिए काया राखे धर्म है। सबसे पहले क्या है, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में बुध महाराज एकादश भाव कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, वहीं बुध इस समय गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गोचर करने से आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा, हर तरह से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह बुध की गोचरी स्थिति आपके लिए बेहतर जाती हुई प्रतीत हो रही है। धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि में बुध जो है केंद्र के स्वामी के केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत योग कारक हैं। आपके गुरु महाराज भी केंद्र में बैठे हैं, बुध महाराज भी केंद्र में बैठे हैं, तो हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। यहाँ पे
जीवन साथी के साथ आप काम कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ एक यात्रा बन रही है, व्यापार के लिए भी यह ग्रह अच्छा मार्गदर्शन या अच्छा सहयोग करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करेंगे मकर लगन मकर राशि। मकर लगन मकर राशि में बुध महाराज आपके पंचमे सारी खष्टेश हैं और नौमेश हैं, लेकिन खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो शत्रुओं से लड़ने की बुद्धि देंगे। कोई मुकदमाबाजी चल रही है, वकील से बात करिए, कुछ केस आपका आगे बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। 15-16 दिन में कोई चीज़ खत्म नहीं होती महाराज, लेकिन उसमें आपको आराम मिलेगा। बुध बुद्धिमान ग्रह है, समझौतावादी है, तो समझौता करके कुछ ले दे कि आप आगे निकल जाइए ना, कहाँ तक फंसे रहेंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि। कुंभ लगन कुंभ राशि में 15-16 दिन का जो समय है वो इलू इलू का समय है, मोहब्बत बरसा देना वाला समय है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ होती हुई प्रतीत हो रही है। शनि भी आपके वक्री हो रहे हैं द्वादश भाव में, इसलिए सावधानी हटी तो फिर परेशानी बढ़ी, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमेश हैं अतः एजुकेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आप कहीं नए जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो नए जगह आपको एडमिशन मिल जाएगा, किंतु अगर प्रेम में आप जाना चाहते हैं तो प्रेम में भी आप जा सकते हैं, किंतु आपकी कुंडली में जब ये प्रवेश करेंगे आर्द्रा में तो लग्नेश आपके द्वादश में जा रहे हैं, पराक्रम के घर में अंगारक योग बना हुआ है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप प्रेम विवाह के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन प्रेम टाइम पास करके लिए कर रहे हैं, आप विवाहित हों और फिर प्रेम में पड़ रहे हैं तो मिलेंगे आपको प्रसाद, जीना हो जाएगा आपका मुश्किल, इसलिए बहुत सावधानी रखिए। मीन लगन मीन राशि। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए दिन तो अभी अच्छे आ गए हैं और बुध भी उन अच्छे दिनों की बढ़ोतरी करेंगे, तो आपके भूमि भवन वाहन संबंधित कार्य होंगे, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, आपकी माता और बच्चों की माता के बीच तारतम्य अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध की उपासना, बुध को करें मजबूत। आपकी कुंडली में अगर बुध कारक है तो आप लग्न के अनुसार अगर आपको पता है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, लग्न नहीं पता है सिर्फ राशि के अनुसार मत जाइएगा, नुकसान हो जाएगा। आप एक उपाय सभी लोग कर सकते हैं, वो है गणपति की आराधना। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए ओम गम वर्तते नमः, या पंछियों को हरा दाना खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। आपके लिए शुभकामना। राधे राधे।